आईपीएल का मौजूदा सत्र कोरोना वायरस की वजह से यूएई में 19 सितंबर से खेला जाना है। इससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों टीम के सदस्य और भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के अचानक स्वदेश लौट आने से सभी हैरान रह गए थे। इसके साथ ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि अब अटकलों पर कुछ हद तक विराम लगता नजर आ रहा है, साथ ही कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के मालिक एन श्रीनिवासन ने सुरेश रैना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि सुरेश रैना खराब होटल रूम और कोरोना वायरस के डर की वजह से आईपीएल 2020 छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। खराब कमरे को लेकर महेंद्र सिंह धोनी से रैना का विवाद होने की बात भी सामने आ रही है। इस मामले को लेकर श्रीनिवासन ने बयान में कहा है कि होटल रूम को लेकर रैना और टीम के कप्तान धोनी के बीच विवाद हुआ। कैप्टन कूल ने ऑलराउंडर रैना को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और टूर्नामेंट छोड़ने का फैसला किया। श्रीनिवासन ने यहां तक कहा कि उनके सिर पर सफलता चढ़ गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि रैना के यूं अचानक टीम का साथ छोड़ने से धक्का तो लगा है, लेकिन कप्तान धोनी ने स्थिति को संभाल लिया है। क्रिकेटर पुराने दिनों के तुनक मिजाज अभिनेता की तरह होते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स परिवार की तरह है और सभी वरिष्ठ खिलाड़ी साथ रहना सीख चुके हैं। श्रीनिवासन ने ये भी कहा कि रैना एपिसोड से टीम उबर चुकी है। मैं समझता हूं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो वापस लौट जाएं। मैं किसी पर कुछ करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता हूं। कई बार सफलता आपके सिर पर चढ़ जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रैना और धोनी के बीच बात हुई है। कप्तान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर कोरोना के केस बढ़े भी तो भी चिंता की बात नहीं है। धोनी ने टीम के साथ जूम कॉल पर बात की और सभी को सुरक्षित रहने को कहा। एन श्रीनिवासन ने कहा कि सुरेश रैना लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो वापस आना चाहेंगे, क्योंकि सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है और उन्हें पता होगा कि वो 11 करोड़ रुपए की सैलरी छोड़ कर गए हैं। बता दें कि इससे पहले कयास थे कि रैना इसलिए आईपीएल छोड़कर लौट आए हैं क्योंकि पठानकोट में उनके रिश्तेदारों पर डकैतों ने हमला कर दिया था, जिसमें उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी। सीएसके 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी, तभी से रैना होटल के कमरे से खुश नहीं थे और वो कोरोना को लेकर कठोर प्रोटोकॉल चाहते थे। वो धोनी के जैसा रूम चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने रूम की बालकनी पसंद नहीं थी। इस बीच सीएसके की टीम के 2 खिलाड़ियों समेत कुल 13 सदस्य जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो रैना का डर और भी बढ़ गया।